से अपने उपयोग में ला सकते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है एफिकेसी ऑफ नेचुरल एडिटिव्स इन रिसाइकल्ड पेपर है सेल्फ लाइनर फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम हाउसहोल्ड पेट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं आज के आधुनिक समाज में कचरे का उत्पादन बढ़ते ही जा रहा है। कचरे का निपटान एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। एक सर्वे के अनुसार 73% कचरा जमा होता है जिसमें केवल 21% कचरे का ही उपचार किया जाता है और बाकी कचरे को यहाँ वहाँ फेंक दिया जाता है। तो हम अपने पूरे प्रोजेक्ट के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि हम कैसे वेस्ट पेपर को अपने प्रयोग में ला सकते हैं और हमने अपने प्रोजेक्ट के द्वारा एक और समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की है। जैसे कि हम सब जानते हैं आजकल घरों में कीट जैसे चींटी से ज़्यादातर परेशान रहते हैं, जिसे भगाने के लिए हम कीट या बैगॉन का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो हमने अपने प्रोजेक्ट के द्वारा एक और समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की है। जैसे कि प्राचीन समय से चलती आ रही सामग्री जैसे नीम और हल्दी के हमने वेस्ट पेपर के रिसाइकल पेपर तैयार किए। तो हमने पहले हमने पेपर का पल्प तैयार किया, उसके बाद हमने नीम अथवा हल्दी के पल्प तैयार किए। पहले हमने पेपर पल्प 100 ml, उसके बाद नीम पल्प 10 ml डालकर एक पेपर तैयार किया। उसी प्रकार हमने 50 ml तक पेपर तैयार किए, उसको टर्मरिक के भी हमने 100 ml पेपर पल्प 10 ml टर्मरिक पल्प मिक्स करके 50 ml तक हमने तैयार किया। और उसके बाद हमने इसे इस तरह से तैयार किया, पहले हमने नीम अथवा पेपर के पल्प को मिक्स करके हमने पेपर को इस तरह से एक कपड़े में डालकर उसे अच्छी तरह से प्रेस किया, उसके बाद उसे निकाल कर हमने पेपर के प्रॉपर शेप में लेके आए हम लोग। उसके बाद पेपर जब बनकर हमारा तैयार हुआ उसके बाद हमने उसे सूखने के लिए रख दिया और पेपर 4 दिन के बाद तैयार हो गया। उसके बाद हमारा आखिर में रिजल्ट हमारे पेपर इस तरह से प्राप्त हुए। हमें पहले हमने 10 ml वाले नीम के पेपर पर चींटियों को रखकर देखा, चींटियां उस पर घूमती रहीं, इसका मतलब उस पर उनका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद हमने 20 ml वाले पेपर पर चींटियों को रखकर देखा, चींटियां उसमें 2 मिनट से ज़्यादा घूमती रही, इसका मतलब इस पर भी उनका ज़्यादा असर नहीं हुआ। उसके बाद हमने 30 ml वाले पेपर पर चींटियों को रखकर देखा, चींटियां उस पर 1 मिनट तक घूमती रही, उस पर भी उनका ज़्यादा असर नहीं हुआ। उसके बाद हमने आखिर में 40 अथवा 50 ml वाले पेपर को चींटियों पर रखकर देखा, तो चींटियां उस पर आधे मिनट से भी कम देर तक नहीं रुक पाई। तो इससे यह बात साबित होता है कि हमने जो वेस्ट पेपर के नीम अथवा हल्दी के रिसाइकल पेपर तैयार किया वो चींटियों को भगाने में कई हद तक सफल रहा है।